बैक टू माई चैनल। हर बार की तरह इस बार भी मैं सुबह सुबह रेडी हो चुका हूँ और इस बार का जो जर्नी है वो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार आपका भाई हिल्स पे नहीं सीवीज पे जाने वाला है। और ये जिस जगह पे मैं जाने वाला हूँ इसको आप लोगों का, हम लोगों का सबका सेकेंड होम भी बोला जाता है। गेस कर लो मैं कहाँ जाने वाला हूँ। एक्चुअली मैं जाने वाला हूँ पूरी, और पूरी उड़ीसा में पड़ता है, आप लोगों को पता होगा। जो लोग गए हैं उन लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं पहली बार जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। टाइम हो चुका है सुबह के 6 के आसपास, बस गैरेज में जाना है, गाड़ी निकलना है और निकलना है अपने डेस्टिनेशन पे। निकल चुका हूँ अपने नए सफ़र के लिए। एक्चुअली इस रूट पे मैं पहले कभी नहीं गया, ये मेरे लिए एक नया रूट है, क्योंकि साउथ इंडिया की तरफ मैं कभी नहीं गया हूँ। दीघा गया था बाइक से, वो भी 2021 में 31 जनवरी के दिन। पहुँच चुका हूँ चौरस्ता, देखते हैं पेट्रोल पंप खुला है कि नहीं, तो पेट्रोल भरा लेंगे यहीं से। हाँ पेट्रोल पंप खुला है, चलो पेट्रोल भरा देते हैं। पहले फुल कर दो, फुल फुल। फिलहाल मैं हूँ भुवनेश्वर में, और चौरस्ता पेट्रोल पंप से लेके भुवनेश्वर तक का जर्नी जो है उसका पूरा कहानी मैं होटल में जाके आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना जान लो कि आज मेरे साथ जो जो हुआ वो मेरे पूरा ज़िंदगी में मेरे साथ कभी नहीं हुआ। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा। जो भी हो, टाइम हो चुका है 7:26, अभी मैं भुवनेश्वर में हूँ। यहाँ से मेरा होटल का डिस्टेंस है 66 किलोमीटर। सारा दिन का जितना प्लानिंग था सब कुछ चौपट हो चुका है, पता नहीं आगे क्या होगा। इतना खैर है कि होटल पहले से बुक कर लिए थे। वैसे एक चीज़ बता दूँ, भुवनेश्वर जो सिटी है नीट एंड क्लीन, बहुत ही अच्छा है। बहुत सारा शॉपिंग मॉल है यहाँ पे, मेरा सारा काम यहीं पे आके फिक्स हुआ। देखो सामने वाला बोर्ड, वेलकम टू पुरी 42 किमी। एक्चुअली पुरी जाने का सामने से दो रास्ता अलग हो जाता है। रुको थोड़ा फॉग लाइट जला लेता हूँ। दो रास्ता अलग हो जाता है, एक पूरी बाईपास होकर जाता है, एक मंदिर के ऊपर से जाता है। तो अगर आप मंदिर के ऊपर से जाते हो तो वो पूरा क्राउडी एरिया है, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और आप अगर बाईपास से जाते हो तो आप जल्दी पहुंच पाओगे। और मुझे जितना लग रहा है ये जो 42 किमी है ये सीबीज तक का शायद किलोमीटर नहीं है, ये पूरी सिटी तक का, मेन सिटी तक का किलोमीटर बताया गया है। मेरे हिसाब से अभी भी 50-55 किलोमीटर के आसपास लग जाएगा मुझे होटल पहुंचने में। टाइम हो चुका है 8:03, मैं एक घंटा के आसपास और पकड़ लेता हूं, शायद उससे ज़्यादा भी लग सकता है। ये सामने वाला मोड़ देख रहे हो, वहां से आके यू टर्न लिए, सॉरी वहां से आके राइट टर्न लिए, और अगर सीधा चले जाते तो सिटी के अंदर चले जाते। ये पूरी बाईपास है, इधर से सीधा सी बीच तक चले जाएंगे खाली खाली, और वही 15 किलोमीटर तक है। टाइम हो चुका है 8:34 और मैं अभी पूरी बाईपास में हूँ। 15-16 किलोमीटर और बाकी है और पूरा ये लाइट लगा हुआ है, प्रॉब्लम नहीं होगा बाइक चलाने में। बस पहुँचने ही वाला हूँ सी बीच के सामने। वैसे टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा सोच रहा हूँ सी बीच होके ही जाऊँ थोड़ा, क्योंकि फिर निकलने का शायद मन नहीं करेगा। तो हुआ कुछ ऐसा कि जैसे मैं चौरस्ता पेट्रोल में पेट्रोल भराया, कैमरा ऑफ किया, नेक्स्ट स्टेप जैसे मैं ऑन करने गया कैमरा बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा था। मैं क्या करूँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली राइड का तो शुरुआत हो चुका है, लेकिन एक दिक्कत हो गया, GoPro ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ। अभी चार्ज में बैठा है और वैसे टाइम हो चुका है 6:08, देखते हैं कितने जल्दी निकल पाता है यहाँ से। टेंशन हो रहा है क्योंकि GoPro काम नहीं कर रहा है, GoPro का बैटरी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या होगा। टाइम हुआ है अभी 8 के आसपास, अगर लगन में कहीं पे तो GoPro का बैटरी मिलेगा भी नहीं इस टाइम। देखेंगे अगर कटक या फिर भुवनेश्वर में मिल जाए या फिर रोड पे कहीं पे, देखते हैं कहीं पे ब्रेकफास्ट करने बैठेंगे तब आराम से ढूंढेंगे। आज मैं सोलो नहीं हूँ, मेरे साथ एक मेरा दोस्त जाने वाला है सामने खड़गपुर से, पहले वो मेरे साथ ज्वाइन करेगा। बाइक में चार्जर सिस्टम है, लेकिन GoPro में अगर डायरेक्ट आप चार्ज देते हो तो आपका साउंड रिकॉर्ड नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ गया। एक्चुअली मेरे पास GoPro का 2 बैटरी था,
लेकिन नेपाल जाने से पहले एक बैटरी ऑलरेडी खराब हो चुका था और ये नया वाला बैटरी था, एक महीने के आसपास ही हुआ था। मैं सोचा नहीं था वो ऐसे खराब हो जाएगा। सुबह में सब कुछ ठीक था, फिर GoPro का बैटरी खराब हो गया। उतना सुबह में GoPro का बैटरी मैं कहाँ से खरीदता, फिर किसी तरह नॉर्मली चार्जर में लगा के चल रहा था, वीडियो बना रहा था, मन बहुत दुखी हो गया था। जैसे ही मैं उड़ीसा शांतनु से मिला, उसके बाद उड़ीसा क्रॉस किया मतलब जैसे ही मैं उड़ीसा में इंटर किया, उसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाकर रुका एंड वहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया। लगभग वही 10:30-11 के आसपास टाइम हो रहा था। एंड उस टाइम जब मैं जीपे करने गया, पेमेंट करने गया, तब देखा मेरा आईफोन का जो मेन कैमरा है वो पूरा शेक हो रहा है। मैंने एकदम शॉक किया, अब ये क्या हो गया। और उसके एक दिन पहले मैं 16.5 या 6 में अपडेट दिया था, मुझे लगा शायद अपडेट के लिए कुछ ऐसा हुआ होगा, तो एक बार रिस्टार्ट कर, तो रिस्टार्ट किया तो ठीक हो गया। फिर मैं निकल गया, चलो अब ठीक हो गया, रिस्टार्ट दे दिया। अब बालासोर जैसे ही आया, वहाँ पे बारिश हो रहा था, थोड़ा सा रुका था मैं एंड वहाँ पे थोड़ा फ़ोन खोल के थोड़ा शूट कर रहा था, देखा पूरा हिल रहा है। रिस्टार्ट किया 2-3 बार, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है। फिर तो अब तो मेरा दिमाग पूरा ख़त्म यार। ऐसा नहीं हुआ, GoPro का बैटरी खराब हो गया, आईफोन का मेन कैमरा खराब हो गया, मैं कैसे शूट करूंगा। और सुबह में और एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, जैसे ही मैं गैस से बाइक निकाला था, उसके बाद मैंने फ़ोन छोड़ दिया था, शायद वही कोई इंडिकेशन था कि यार थोड़ा रुक जाओ या फिर आज मत जाओ कल जाओ, जो भी हो, जो लोग मानते हैं। लेकिन चलो जो भी हो, मैं वहाँ से फिर निकल गया। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि मैंने बाइक का काम कराया था, क्लच प्लेट चेंज कराया था, हिट का काम कराया था, बाइक में लेस देन 30 मुझे माइलेज मिला। अब इतना कुछ होने के बाद मैंने तो ठान लिया था यार कुछ भी हो जाए, कम से कम घूमने आए हो, घूम के जाना है। और किसी भी तरह भुवनेश्वर में कुछ दुकान में फ़ोन किया, GoPro का बैटरी का पता लगाया। 2-3-4 दुकान में फ़ोन करने के बाद एक जगह पर बैटरी मिला, तो मैंने बोला भैया अगर एक पीस हो तो रख देना, मैं आके ले लूँगा। फिर मैं भुवनेश्वर पहुँचा, GoPro का बैटरी लिया, भैया से पूछा, यहाँ पे बहुत सारा मोबाइल का दुकान दिख रहा था, कौन सा अच्छा मोबाइल का दुकान है जहाँ पर मेरा आईफोन रिपेयर हो सकता है। तो भैया बोले कि यहाँ पे एक दुकान है, तो मैंने सोचा पहले सर्विस सेंटर पे दिखा दो, सर्विस सेंटर पे दिखाया तो बोला 22,000। सुन के मेरा एकदम दिमाग शॉक हो गया। फिर एक अंबिका मोबाइल स्टोर बोल के दुकान है, वहाँ पे गया, वो लोग फिक्स करके दिया प्राइस, छोड़ो अब क्या बताऊँ, जो भी हो करके दिया। मैं रात के 9:30 बजे होटल पहुँचा।